नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो उतर चुके हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में उतरे हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर किया और साथ ही विपक्षी दलों पर भी किया। बता दें कि सीएम योगी ने सीएम योगी दो दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनंदगांव में भी एक रोड शो किया जहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जो है राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। साथ ही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आए दिन जो घोटाले हो रहे हैं, फिर चाहे हम गोबर घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें या फिर हालिया में जो खुलासा हुआ है महादेव ऐप घोटाले को लेकर के, तो इस चीज को भी बकायदा सीएम योगी ने उठाया और इस चीज को लेकर के वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि अयोध्या में कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती थी। बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुकमा में जनसभा को संबोधित किए। इसके बाद उन्होंने बस्तर और कबीरधाम में भी एक जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस रही। महादेव ऐप, लव जिहाद और चारा घोटाला, गोबर घोटाला और करप्शन पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों के लिए बीजेपी का बुलडोजर तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से करप्शन है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे एक्शन की जरूरत है। बता दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो शांति व्यवस्था है, जिस तरीके से वहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम को लेकर के, इन तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक्शन होता है माफियाओं के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठीक इसी एक्शन की जरूरत आज छत्तीसगढ़ को भी है। बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की कांग्रेस पक्षधर नहीं थी। कांग्रेस को देश में शासन करने का लंबे समय मिला लेकिन मंदिर निर्माण में उसने अड़ंगा लगाया। अगर कांग्रेस की मंशा राम मंदिर का निर्माण करने की होती तो काम कब का पूरा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में राम भक्तों को पीटा जाता था, कांग्रेसी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं का नया पैतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी राम के वजूद पर उनको शक था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेसियों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि राम मंदिर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का काम चल रहा है और जनवरी में उसका भव्य उद्घाटन होगा और रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। सुनिए किस तरीके से सीएम योगी जो है राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे, कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया। बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते, यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग, तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे, इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर।
आपको बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में जब योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया तो इस दौरान कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, इस मामले पर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से महादेव ऐप घोटाले को लेकर के खबर सामने आई और ईडी का बकायदा यह दावा है कि कैसे महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने वहां के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं ताकि वो चुनावों में इन पैसों को खर्च कर सके। इन तमाम खुलासों को लेकर के इस वक्त जो भूपेश बघेल की सरकार है वो बीजेपी के निशाने में है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महादेव ऐप का जिक्र किया, चारा घोटाले का जिक्र किया और ये कहा कि देखो विपक्ष के नेता कैसे लोग हैं, कोई इनका साथी चारा घोटाला करता है तो ये गोबर घोटाला करते हैं। साथ ही उन्होंने कोयला घोटाले का भी नाम लिया और कहा कि यहां पर इन भ्रष्टाचारियों को हटाने की सख्त जरूरत आ गई है और अब तो प्रदेश की जनता भी यही कह रही है कि अब जो सरकार है वो बदल के रहेगी और बीजेपी सत्ता में आएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेगम लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप ला मिलिस का, ये तो प्रश्न कर रहा है यहां का गरीब। हमन ला में तो ना मिलिस, आपका मिलल मिलिस का। भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है, एक गरीब का, उसकी बेबसी का, सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेमानी को किस हद तक बढ़ावा देती है। कभी आपने देखा होगा एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का, आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहाँ के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है। आपने बिहार में सुना होगा लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था, कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया और उससे भी दो कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है, गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए और इसी के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात कह रही है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अब तो यहां छत्तीसगढ़ में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है और रोड से एक ही आवाज आ रही है। मैं कल भी छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया, एक ही आवाज हर एक जगह। आपको बता दें इस दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के मसले पर भी जोरदार हमला बोला। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर बस्तर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की बात को उठाते हुए ये कहा कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या लव जिहाद के नाम पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सुनिए किस तरीके से सीएम योगी जो है हमलावर नजर आ रहे हैं। स्वीकार नहीं हो सकता,
एक गरीब की हत्या करने के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक आदिवासी, एक कमवासी, एक पिछड़े जाति के नौजवान की हत्या करेंगे स्वीकार नहीं हो सकता है। धर्मांतरण के नाम पर जिस प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों को ये सरकार प्रश्रय दे रही है ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन उत्तर बस्तर के कांकेर की भानु प्रतापपुर विधानसभा, राजनंदगांव की डोंगरगढ़ विधानसभा, कवर्धा की कबीरधाम की पंडरिया विधानसभा और कवर्धा विधानसभा सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम था। आज यानी कि 5 नवम्बर को उन्होंने सुकमा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रदेश में आपको बता दें कि प्रदेश में कुल वोटर की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। यहां 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए 24,000 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर और 17 नवंबर के दिन चुनाव होंगे। साथ ही चुनाव परिणामों की घोषणा 3 नवंबर के दिन घोषित की जाएगी। यानी कि 2 चरण में चुनाव होने हैं और आज प्रचार का अंतिम दिन है और इसी के मद्देनजर तमाम स्टार प्रचारक कि बीजेपी के हैं वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित किया था और उन्होंने भी भूपेश बघेल की सरकार में हो रहे करप्शन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और ये कहा था कि अब छत्तीसगढ़ में बदलाव की जरूरत है और अब इस बार बीजेपी की सत्ता आएगी क्योंकि अब जनता भी कांग्रेस की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।